हेलो फ्रेंड्स एंड कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ टेकिंग अप द क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम 50 क्वेश्चंस लेंगे। गोल और आइडिया है कि कैसे आप इन्फर करते हैं और रिवीजन भी होता है और साथ में वन ऑफ द क्विकेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो आप इसको बार बार रिविजिट कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करने में और उनको सिंक करने में मदद मिले। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 51। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द टर्म मैन हिर्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मानसी सो मैन इज ए तो नहीं होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं होगा, फ्यूचर द्रविड़ियन कैपिटल भी नहीं है, टेम्पल सॉरी द्रविड़ियन टेम्पल्स, मोनोलिथिक पिलर्स और एंशियंट पोर्ट कैपिटल। सर सी हो सकता अकॉर्डिंग टू मी। मोनोलिथिक पिलर्स डेफिनेटली वो हो सकते हैं क्योंकि वो ही आपके जो है मेगालिथिक टाइम पीरियड में एक तरीके से मेमोरियल स्टोन और एक तरीके से हीरो स्टोन या एक तरीके से उसको आप देर आर तमिल वर्ड्स ऑल्सो फॉर इट। तो वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन थे संगम पीरियड के बाद से भी हम जब देखते हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज में इनका काफी रोल है। दे आर इम्पॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट। गनवेरी वाला, वेर इज परवेश गनवेरी वाला। आई थिंक इट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ जम्मू कश्मीर में कहाँ? स्पेसिफिक हाँ लोकेशन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। आशिक, वेयर इज गंदेरी वाला? ओके राजस्थान से रंगपुर रंगपुर, वेयर इज रंगपुर? मानसी सर, रंगपुर गुजरात रीजन में शायद। गुजरात। इट्स अ लेट हरप्पन साइट। मिथाथल, वेयर इज मिथाथल? दिव्या आशिक, नहीं पता सर, मैंने मिथा था। मिथाथल इज हरियाणा। इट्स अ हरप्पन साइट। मल्हार, वेयर इज मल्हार? प्रवेश, इज इट अ हरप्पन साइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट प्रवेश? मल्हार हाँ मनहार डी ऑप्शन। मल्हार, ओके। गनबेरी वाला मस्ट बी इन पाकिस्तान, इट शुड नॉट बी इन राजस्थान और इन जम्मू कश्मीर। यू कैन क्रॉस चेक। विद देना रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडस वैली पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ एनी स्क्रिप्ट। मानसी, ऑल्सो आर्यन यूज आयरन वेयर एज इंडस वैली पीपल वर फेमिलाइज विद ब्रॉन्ज। करुणा, सर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अग्रहारा एंड ब्रह्मपुरी वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मानसी, सो मीन्स ऑफ इरिगेशन। आशिक, एजुकेशन सेंटर से अगर हट्टा है वो मैं अरा आरा घट्टा घट्टा सर। हारा, इट सर शुड आई बी विल गो एजुकेशन। स्टेट हाँ ट्रेड, यू, हाँ स्टेट ट्रेजरर स्टेट ट्रेजरर्स। नो इट इज जी। नॉट स्टेट ट्रेजरर्स। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ प्रवेश, द लास्ट क्वेश्चन आई वाज आस्किंग द आंसर फ्रॉम प्रेरणा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए Why you are इज द asking करेक्ट आंसर। when already correct answer is being given? What's your problem? ओके सर, Dual system of government, it was modeled on the lines of Mughal administration. Pravesh, first statement. ट्रू सर, हाँ जी, नहीं सर पोल सही। false है। Okay. इट ब्रॉट इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस अंडर द कंपनी रूल। आशिक, फॉल्स सर, व्हाई इट इज फॉल्स? क्योंकि इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें तो नहीं हो सकता। करेक्ट, रेवेन्यू और जस्टिस ब्रॉट, मिलिट्री और जस्टिस डिवीजन हाँ होगा। जस्टिस ब्रॉट हैंड ऑफ द कंपनी रूलर। इट वाज सर अबॉलिश्ड बाय वॉरेन। मानसी, क्यों? फॉल्स हो सकता है तो, क्योंकि फैक्ट मेरे को पता नहीं, मैं गेस कर रही हूँ। सचिन,
फॉल्स है सर, फॉल्स 72 में होगा सर। ट्रू है, ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट आई बिलीव सर इट इज ट्रू ट्रू मतलब सर। आप इसको करेक्ट लगाएंगे। जी सर। ओके नेक्स्ट। सर थर्ड वन इज टू एंड फर्स्ट वन इज ऑल्सो। फर्स्ट वन तो मतलब अब कैसे बोले, वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बड़ा वेग स्टेटमेंट है। क्या लिखा है पढ़ो प्रेरणा। इट इज रिटन द अर्ली कंपनी इन बंगाल वॉज एस्टेब्लिश यूजिंग अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड आफ्टर दैट ऑफ द मुगल। इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। चलो कोई नहीं, वो तो बात है लेकिन ऐसे नहीं है वो। अंगा चंपा प्रवेश, कौशल प्रॉन्ग काशी अशिक। सर, कौशल काशी, अच्छा, वज्जी वैशाली सचिन। नो सर, कुरु सुक्तिमती प्रवेश। एब्सोल्युटली रॉन्ग अगर क्या करेक्ट है सर। ओनली वन और ओनली टू इज करेक्ट सर। सो ओनली वन सर, क्लियर। पहला वाला सही होना चाहिए सर, अंगा का चंपा होगा सर। अंगा की कैपिटल से चंपा तो नहीं है। थर्ड अच्छा, अंगा की चंपा भी है नहीं, सही कौशल है। की काशी भी नहीं है, अवजी की वैशाली भी नहीं है, कुरु की सुक्तिमती भी नहीं है, तो फिर कौन सा है? कौशल कौशल की काशी है सर। कौशल काशी त्रिभुवन। सर प्रेरणा बताओ। फर्स्ट एंड थर्ड लाइकली मैच्ड सेकंड और फोर्थ नहीं है। जो ये हाँ, कौशल है इसकी सरस्वती है। श्रावस्ती है उसकी, सरस्वती हाँ नहीं सॉरी है, आरती। श्रावस्ती। यस सर श्रावस्ती। और सर जो ये कुरु है इसकी इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ। ओके, आचरंग सूत्र, सूत्र कृतंग एंड कल्प सूत्र, दीज टेक्स्ट बिलोंग टू द फॉलोइंग रिलीजियंस। मानसी सर नहीं पता मैं कुछ और यार, देखो बार बार ये मत गाया, तो पता नहीं होगा। नहीं, पता पता तुम्हें कुछ भी नहीं है, बार बार मत बोला करो आई बिलीव और ऐसा भी नहीं होता। सीधा आंसर इज दिस, अकॉर्डिंग बोलो मानसी जल्दी। टू मी ए और फोर्थ वाला नहीं हो सकता। बी या सी में से होना चाहिए। ए और डी में से क्या मारोगी, जल्दी मारो। सर ए और डी नहीं होना चाहिए। बी और सी में से होना चाहिए। और सी, तो बी और सी में क्या मारोगी? सर बी मारूंगी। आंचल ए सर, सर ए। ए अबे तेरा होगा। नाम आंचल है? मिडिवल इंडियन टर्म्स खूट, खूट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, मिलिट्री हेड, लैंडलॉर्ड्स। दिव्या, सर दिव्या नहीं है सर, दिव्या है ही नहीं, नहीं सर, सो सॉरी। सचिन, दिव्या तबीयत ठीक नहीं, बीपी लो उसका, वो टैबलेट लेके लेटी हुई सर। लो हो गया तो लो में तो, लो में ओके तो नमक ओके, पता खाया जाता है थोड़ा सा नहीं नमक सर उस कितना काम करा रहे हो आप। हाँ कुछ नहीं, खूट वगैरह सर, मुझे सुना नहीं दिया क्या कहा आशिक। खूट्स के लिए सर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है सर। नहीं हो सर सकता सर एडमिनिस्ट्रेटर। जमीन, जमीन पे लैंड होगा, रेवेन्यू होगा। लैंडलॉर्ड होगा। द किंग विजय, किंग ऑफ विजयनगर हैड वुमेन हु रेसल एंड दोज हु आर एस्ट्रोलॉजर्स एंड सूथसेयर्स, हैड वुमेन हु राइट ऑल अकाउंट्स एक्सपेंसेस दैट आर अकन इनसाइड द गेट्स एंड पैलेस, अदर हुज ड्यूटी टू राइट ऑल ऑफ अफेयर्स ऑफ द किंगडम, कंपेयर देयर बुक्स विद दोज ऑफ आउट राइटर्स आउटसाइड, ही हैड वुमेन ऑल्सो फॉर म्यूजिक हु प्ले इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंग, इवन द वाइव्स ऑफ किंग्स
आर वेल वर्स्ड इन म्यूजिक. ही हैड जजेस एल्वेज एज वॉचमैन हु गार्ड द पैलेस एंड दीज आर वुमेन. यानी सोचो आपने मेंस के लिए कितना कुछ लिख सकते हो. वुमेन रेस्लर भी है, वुमेन एस्ट्रोलॉजर भी है, वुमेन सूथसेयर्स भी है, वुमेन अकाउंटेंट्स भी हैं, वुमेन सब कुछ है. कितना अमेजिंग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड द क्वेश्चन इज कि ये सब बातें कौन सा फॉरेन ट्रेवलर मेंशन करता है. निकोलो दी खांती, डोमिंगो पेज, अब्दुल रजाक एंड और इवन फर्नांडो न्यूनिस. परवेश अब्दुल रजाक सी. अब्दुल रजाक सी बोलेंगे. ओके आंचल औशिक सब बी होना चाहिए सर, डोमिनो पीस वही सबसे ज्यादा पेस. डिस्क्रिप्ट की डिस्क्राइब किया हांजी कैपिटल रेसिप को. कल गो विद फोर्थ फॉर नाउ. नून्स और नाम नून्स जो नाम अच्छा लगे वो उठा लीजिए, बाकी किस्मत. सेलेक्ट द करेक्ट कोड. अच्छा अगले वाले में है ये तो. विच द फॉलोइंग आर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो. तो करेक्ट डी आंसर इज ऑप्शन करेक्ट. डी डी. डी फॉर नाउ तो नून्स. इसे कहते हैं किस्मत. जब आपकी किस्मत साथ हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. तो अब्दुल रज़ाक तो हो ही नहीं सकता था खैर, लेकिन औशिक ने इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश की लेकिन वो गलत था. इसे कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान. कुछ भी हो सकता है. अमीर खुसरो. खजाने फुतुह तुगलक नामा तबकते नसीरी. इनमें से कौन से लिटरेरी वर्क अमीर खुसरो के हैं. औशिक सर पहला वाला है खजाना उल फतह, फतह फतह जो साउथ हाँ में जो गया तो उस पर है ये, तुगलकनामा पर हाँ होगा सर. और तब अगर नसीरी नहीं है सर, हसन निजामी का सर वो निजामी. बडोलानी आई का. थिंक वेरी वेल पुट अप. ए गुड क्रेडेंशियल्स फॉर हिस्ट्री ऑप्शन. सो दिस आंसर इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट. मराठा किंगडम बारगीदार सिलहदार दे रेफर टू. आंचल सचिन. सर बी या डी में सोच. बी या डी. ओके सचिन ट्रेडर्स हो सकता है सर बी. बी. अच्छा प्रवेश ए प्रेजेंट है प्रेजेंट. जी. आशिक सर बार्गेर और सेला दाना ऐसे मशीनरी टाइप है ये थे, तो सर मैं मशीनरी की तरफ में जाऊंगा, तो मिलिट्री यूनिट में जाऊंगा. मिलिट्री यूनिट बिल्कुल. ओके प्रेरणा यू कैन शेयर द आंसर. ताला लगाया जाए. यस सर डी मिलिट्री यूनिट. ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर. परवेश जी आपने इतने नोट्स बनाए, इतना सब कुछ किया, वो सब करके कहाँ चला गया सब. ये मत कहिएगा रिवीजन से ठीक हो जाएगा. विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सुल्तान हैविली रिलाइड अपॉन द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टूवर्ड्स मंगोल्स. परवेश ट्रू अपीजमेंट टूवर्ड्स मंगोल. अच्छा कैसे, जरा प्रकाश डालिए. कुछ बताएंगे कि कैसे अपीज करते थे मंगोल्स को वो. सर यहाँ पर अपीस का मतलब ये है कि उनका डिफेंसिव एटीट्यूड था टूवर्ड्स द मंगोल्स. अगर आप इंफोसिस को देखते हैं और जो भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, तो मंगोल से वो ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे. तो दैट मोमेंट अच्छा ऑफ ओके हाँ आशिक. सर पहला वाला जो लिखा हुआ ना सुल्तान हेविली रिलाइड अपॉन, मतलब कि हाँ सिर्फ पॉलिसी अपीजमेंट पर ही फोकस किया, ऐसा नहीं था शुरू में किया गया ऐसा किस समय का. बाद में फिर अलाउद्दीन खलजी के समय में, वो बलबन के समय में बनाया भी गया था, जो दो तीन फोर्ट का नाम है हेविली रिलाइड, नहीं तीनों था है. पॉलिसी, अपीजमेंट हमेशा भी था, लड़ाई भी था और फिर फॉरवर्ड पॉलिसी भी था कुछ मेजर बैलेंस. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद मंगोल्स वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक. सर ये बोलो बोलिए. फिरोज शाह तुगलक नहीं, वैसे अलाउद्दीन खलजी होना चाहिए. फिर खलजी होना चाहिए. फिरोज शाह तुगलक तो खुद ही 1297 भी नहीं, तो इसे सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. 1297 307 के बीच, 1307 के बीच में. नेक्स्ट नेक्स्ट
Which of the following sequence indicates the correct order of Babur's successful campaigns? Aushik. सर इसमें तो पहली बात कि सियालकोट जीतेंगे, उसके बाद फिर इंडिया में आएंगे, या फिर मैं बी मारूंगा सर, गेस है, सियालकोट, नहीं भीलवाड़ा, पता एग्जैक्ट। लाहौर. प्रवेश. ए हो सकता। हाँ हाँ, ए होना चाहिए मेरे हिसाब से भी. पानीपत के बाद क्या रहेगा? पानीपत के बाद लाहौर जाएगा? हाँ किसी और का सर, बोल सर. नेक्स्ट. भक्ति सेन लाल डेट, तो शी बिलोंग टू इसका वैष्णवाइट सेक्ट. आंसर सर इसको ए हो। ए हो गया ना. भक्ति सेंट लाल डेट बिलोंग टू वैष्णवाइट सेक्ट. सचिन. हो सकता है सर, हाँ, हो हो सकता सकता है सर। है. हर वर्सेस आर नोन एज वाक्स विच आर इन कश्मीरी लैंग्वेज. औशिक. ट्रू सर, सब इन पहले हर वाला पोएम्स. वेस्टनाइट नहीं होगा सर, शैव होगा, बिल्कुल राइट. नहीं है. शैवाइट होगा, कश्मीर में शैव कल्चर ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टनाइट। बिल्कुल बिल्कुल. इन हर पोएम शी रेबल्ड अगेंस्ट प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स बाय रिजेक्टिंग रिचुअल्स. मानसी. सो इट कैन बी ट्रू. ट्रू तुम क्या मारोगी? सो. ट्रू. मराठा एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्र प्रधान पंडित राव. रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन. प्रवेश. सचिव सचिव. कॉरेस्पॉन्डेंस. मानसी. ट्रू. सुमंत. हाउसहोल्ड अफेयर्स. सचिन. सर अमात्य. अकाउंटेंट जनरल. सर. आंचल. ट्रू. सारे ट्रू. सर सर यहाँ पर मैं सर बोला प्रभाव। पहले हाँ दो क्वेश्चन जो थर्ड और फोर्थ दोनों गलत हैं. सर, हाँ? अरे क्या बोल रहा है प्रवेश. सर मैं बोल रहा हूँ अमात्या जो है ना वो तो अकाउंटेंट जनरल नहीं होता है, ठीक और बात है। सचिव सुमंत जो होता है वो हाउस होल्ड अफेयर्स डील नहीं करता है. सुमंत कहीं ना कहीं मिलिट्री से इस तरीके से रिलेटेड होता है. सर कुछ ही मत बोल इज देता हूँ. मोर ही इज मोर ऑफ एन एम्बेसडर काइंड ऑफ थिंग. ही इज मोर ऑफ यू नो कॉरेस्पॉन्डेंट जिसको आप कह रहे हो. हाँ बोलो आशिक. सर अब तो आपने बताया था कि सुमंत मतलब बहुत शांत अंदर से, तो तभी हो सकता है ओके. जब जब वो फॉरेन अफेयर में डील करता होगा, तो सुमंत कैसे याद किए थे, फॉरेन अफेयर होगा थर्ड वाला। फोर्थ अमात्या जो है सर वो मिनिस्टर हो सकता है, अकाउंटेंट जनरल तो ये क्वेश्चनेबल टर्म है, तो आई थिंक सर ओनली टू होना चाहिए। लेकिन ठीक हो है. भी सकता है प्रेरणा. फोर्थ वाला सर, क्योंकि जनरल है ना अमात्या, मिनिस्टर तो अमात्या नहीं अकाउंटेंट जनरल होगा. हो सकता है। अमात्या एग्जैक्टली नहीं. नहीं है अमात्या. ठीक है. प्रेरणा. सर थर्ड वाला जो है ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही है. सुमंत का है मास्टर ऑफ हाँ सेरेमनी. मास्टर ऑफ सेरेमनी सेरेमनी है ना. सर। एम्बेसडर इंटेलिजेंस ये सारा हो जाएगा. ठीक है. सचिव तो कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है, और बेसिकली राष्ट्र प्रधान है ये. मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये तो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का. व्हेन वी स्पीक अबाउट मौर्यन, व्हेन वी स्पीक अबाउट गुप्ता, देन वी स्पीक अबाउट अफगान, देन वी स्पीक अबाउट मुगल, देन वी स्पीक अबाउट मराठास. बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी. औशिक. हल्दी घाटी तो चौथा सर हुआ था हुमायूं के बीच में, तो सर सेकंड के बाद थर्ड आएगा, टू के बाद थ्री आएगा, तो डी होगा सर, 1 2 3। हल्दी घाटी तो अकबर और उनके बीच, महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप जी. और बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम. तो ये देखना पड़ेगा। प्रेरणा बताओ. सर बी ऑप्शन इज करेक्ट. 213. चौसा, बिलग्राम, बिलग्राम. हल्दी घाटी। तो बिलग्राम बताइए.
हुमायूं वाज फोर्स टू फाइट विद शेर खान अलोन इन द बैटल ऑफ बिलग्राम इन 1540. सर बैटल ऑफ कन्नौज लिखा है. वेयर नहीं? ओके, विद रेफरेंस टू सूफिज्म कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. सूफिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया. प्रवेश सपोज सूफिज्म वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स. मानसी सब फॉल्स होगा. इन्फ्लुएंस हो सकता है. सिद्धार्थ एंड योगिक पोस्चर्स हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन सूफिज्म. आंचल. सर फॉल्स. अच्छा, ये भी फॉल्स. ये तो ट्रू होना चाहिए. ये ट्रू होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट इज हाँ सर, ट्रू, हाँ सर, ए होगा नॉट इसका. करेक्ट. चलिए, शी वॉज वन ऑफ द फ्यू वुमेन रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया ड्यूरिंग हर रेन अराउंड 30 इयर्स. शी इंश्योर्ड स्टेबिलिटी एंड पीस इन मालवा एट द टाइम व्हेन सेंट्रल इंडिया वाज फेसिंग पावर स्ट्रगल. इन 1780 शी रीबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी. नियरली ए सेंचुरी आफ्टर मुगल किंग औरंगजेब ऑर्डर्ड इट्स डिस्ट्रक्शन. द डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स. मानसी. रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना एंड अहिल्याबाई होलकर. तो इसमें लिखा वाराणसी, तो वाराणसी एरिया में. सो ए तो नहीं होगा. अच्छा, एंड मेरे हिसाब से सर सेकंड भी नहीं होना चाहिए. होलकर्स तो टुवर्ड्स द मराठा रीजन, तो उस साइड होना चाहिए. रानी सर डी हो सकता है. छन्नम्मा. सर अहिल्याबाई होलकर जी. मतलब होलकर को तुम भेज रही हो मराठा रीजन में और तुम साउथ से चेन्नम्मा को बुला लाओगी वाराणसी. नहीं सर, साउथ से तो नहीं बुला के लाऊंगी. फिर डी क्या करेक्ट करो, नहीं पर डी करेक्ट नहीं होगा. आप क्या करोगे, सेकंड. सेकेंड ही मारोगी. ठीक है, नेक्स्ट. अ कोड ऑफ घिंटू लॉज, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन लॉज इन इंग्लिश. प्रवेश. सर ए विलियम विल्सन हंटर. आशिक, अगर ये गलत है तो बताइए. सर हंटर कमीशन से रिलेटेड है, हैलेड होगा हंटर इसका. कमीशन है, इंडियन मुसलमान है, ये नहीं है, ये गलत है. हाँ सर, सर सर द करेक्ट आंसर इज बी हाँ बी. यस, नाथेनियल ब्रेजी हेल है. हैलेड, हैलेड डिक्शनरी होगा. जेम्स मिल हो गया सर सर, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी स्टार्टिंग में आते वो वॉरेन जेम्स मिल हेस्टिंग्स वाले, के जेएस मिल. यू और राइट. चार्ल्स वुड हो गए, वुड डिस्पैच वाले 1854 वाले. रिस्पेक्ट. वेरी सॉरी दिस शुड हैव बीन करेक्ट प्रवेश, बट आई डोंट नो व्हाई यू मार्क इट रॉन्ग. सिस्टम ऑफ पाहुल, सिस्टम ऑफ पाहुल, अ सैंक्टिफाइड वाटर ऑफर्ड बाय अ मास्टर टू द पीपल और शिष्य एज अ टोकन ऑफ पीपल बीइंग एक्सेप्टेड. पहला. दूसरा है आपका सिस्टम ऑफ सेरेमनीज एंड रिचुअल्स नीडेड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अटेन हायर स्पिरिचुअल स्टेटस. अ प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय टेम्पल्स ड्यूरिंग द स्पेशल कंसिक्रेशन सेरेमनी. रूल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कोरोनेशन ऑफ द मिडिवल रूलर टू द हायर स्टेटस अंडर द किंगडम. बताइए 70 का. स्क्रीन लार्ज करोगे सर? हाँ? स्क्रीन थोड़ी छोटी. डी आंसर है सर. सर ओके, तो मैं तो सी मारूंगा सर. सो आई वुड प्रेरणा आल्सो सी द ए इज द करेक्ट आंसर. सर ए इज द करेक्ट आंसर. ए में तो सर सिस्टम, मैं तो सर सिस्टम के हिसाब से याद है कि ये में सिस्टम कैसे हो सकता हूँ. अब ठीक है, हमें की पॉइंट लेके आगे चलना है. नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं. मीन्स एंड मेथड्स ऑफ हाँ एजुकेशन विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया. एंड द करेक्ट स्टेटमेंट गोज फॉर दिल्ली सुल्तान पर्टिकुलरली प्रमोटेड कैनाल इरिगेशन एंड लेड लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल्स. मानसी. ट्रू सर. सेकेंड स्टेटमेंट सचिन. क्वेश्चन व्हील वॉज एन एडवांस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस ऑफ दिस पीरियड. ट्रू सर. द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन डैम्स वर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आंचल. सर ट्रू.
कैसे, क्या गलती है इसमें? प्रवेश सर लिखा हो ना यूनिफॉर्मली स्प्रेड, आज तक यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुए तो उस टाइम कैसे हो जाएंगे? आज भी ना है सर, चलो नेक्स्ट। और लिखा था हाँ मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ सर, इरिगेशन डैम, मोस्ट सर कॉमन यहाँ इरिगेशन डैम, ये भी कौन गलत है सर। बोल रहा है सर? मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे डैम्स होते भी थे। तो डैम हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं पढ़े तुमने? चेक डैम्स नहीं पढ़े? इम्बैंकमेंट्स नहीं पढ़े? अच्छा सर उनको डैम्स बोल रहे हैं। ये भाखड़ा नंगल बनाओगी विद रेफरेंस टू मिलिट्री वेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरी विजय। होएगा हाँ डैम्स सर, वेरी होएगा डैम्स के बजाय कॉमन सोर्स वेल्स। हाँ वेल होएगा, ये वेल हाँ लिखा सर, हुआ था, उन्होंने वेल को हटा के मोस्ट डैम कॉमन लिख लिखा दिया हुआ और सर। बाकी सब छोड़ दिया, कॉपी पेस्ट। चलिए नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, टर्किश एंड पोर्तुगीज वर अप्लाइड टू ट्रेन सोल्जर्स इन द लेटेस्ट वॉरफेयर। परवेश। कौन से थे? फ्रेंच अच्छा क्यों भाई पॉल पे? थे वो, पोर्तुगीज नहीं थे। सर अच्छा पोर्तुगीज नहीं थे, हो ही नहीं सकते हैं पोर्तुगीज। 1365 फ्रेंच फ्रेंच कहाँ से होंगे सर उस समय? पूछ लीजिए, फ्रेंच कहाँ से आएंगे? मतलब पोर्तुगीज तो फिर भी चांस है, फ्रेंच कैसे हो जाएंगे? एनीवेज, कृष्ण देव राय वाज द फर्स्ट टू इनरोल मुस्लिम्स इन द आर्म फोर्सेस। अशिक सर ये कैप्टन वाज़ द फर्स्ट, तब ये कैसे पता हाँ लगा सकते हैं? गलत हो सकते हैं। लिखा हुआ है ये, वो देवराया फर्स्ट, कृष्ण देव राय देवराय, नहीं है, देवराया फर्स्ट। देवराय मुस्लिम्स बोले वर तो अलॉटेड हाँ एंड अलाउड टू इरेक्ट मॉस फॉर देयर यूज। प्रवेश तो नहीं है, सचिन, सचिन बोलेगा। चलो थर्ड स्टेटमेंट। सर, 1 मिनट। मुस्लिम लीग अलाउड टू इरेक्ट मॉस्क फॉर देयर यूज, सर इसका क्या मतलब? अलाउड टू इरेक्ट मॉस्क फॉर देयर यूज, मतलब उन्हें मस्जिद बनाने की भी इजाजत दी गई कि बना लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू सर ट्रू होना चाहिए सर। होना चाहिए। यस सर, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रेरणा बता दो, फर्स्ट करेक्ट है ना? यस सर, एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब इन कंपेरिजन टू अकबर राइन। मानसी इट कैन बी ट्रू, विल मार्क इट ट्रू। मिडिवल इंडियन पेजेंट्स वर फेमिलियर विद वेरियस एडवांस टेक्निक्स ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ दियर टाइम्स। परवेश ठीक है, चलिए जस्ट अ नेक्स्ट। सेकेंड सर, देयर इज एन एरर, फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, गलत बोले इसमें। द सर एक्सटेंट ऑफ कल्टिवेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब इन कंपेरिजन टू अकबर्स रीन। कोई रीजन नहीं इंक्रीज बोल रहे? हाँ हाँ बोलो। इंक्रीज और सर पहला वाला में जो औरंगजेब के समय में, ये भी सही है, और दूसरे खलीसा का लैंड भी बढ़ता गया, तो वो भी अगर होता तो सही हुआ। सेकंड वाला में क्या लिखा हुआ है कि एडवांस टेक्निक बोलता चलता, लेकिन लिखा ऑफ देयर टाइम, मतलब उस टाइम के अनुसार तो हो गए उनके पास, ऑफ देयर ओन हाँ टाइम, तो भी बी वाला सही होना। तो सर गुरु पहले वाला नानक जो डिड नॉट फेल, था उसमें फर्स्ट वाली फ्रेंच वाली स्टेटमेंट सही है यानी प्रेरणा के हिसाब से, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था कहाँ से तो हो सही। गए नहीं पोर्तुगीज? मैं गलत है ना, 73rd कर दियो, 73rd क्वेश्चन का फर्स्ट वाला जब एक फ्रेंच कहाँ से आ इंक्रीज जाएंगे? होएगा डिक्रीज नहीं। ठीक अब कल को तो अमेरिकन भी ले आएगा, थोड़ी ना कुछ भी बोलोगे हो जाएगा। है गुरु नानक डिड नॉट फेवर पिलग्रिमेज नॉर एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। प्रवेश स्क्रीन वहां गई, ये तो फॉल्ट है सर। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह द ट्रेडिशन ऑफ गुरु एंडेड। मानसी फॉल्स सर, क्यों? तो आई थिंक ये 10th ग्रुप नहीं थे, एट अच्छा 10th गुरु ही नहीं, तो कौन थे नहीं, ये? मैं श्योर नहीं सर हूँ। गुरुद्वारे चले जाना। हाँ बोलो आशिक। सर सेकेंड वाला में लिखा हुआ है ट्रेडिशन ऑफ गुरु एंडेड, तो ऐसा नहीं बोल सकते जो गुरु गोविंद, जो गुरु ग्रंथ है वो भी एक तो लिविंग गुरु है एक तरह से,
तो एंड कैसे नहीं बोलते तो हैं? है, लेकिन ट्रेडिशन ऑफ गुरु एंडेड एंड दैट इज हाउ गुरु ग्रंथ साहिब वाज गिवन स्टेटस ऑफ गुरु. चलिए नेक्स्ट. आंसर फर्स्ट वन इज करेक्ट. हाँ ऑब्वियसली. हाँ, यस सर. कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. वोमेन वर नेवर एडमिटेड टू द बुद्धिस्ट संघास. मानसी. तो फॉल्स. एक्सट्रीम पेनेंस वॉज लेड डाउन बाई बुद्धा. मानसी. तो फॉल्स होगा. एक्सट्रीम लिखा है सर यहाँ पे इसलिए. अकॉर्डिंग टू द बुद्धा द डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल. ट्रू सर. अच्छा चलो नेक्स्ट. दज्जी दिवारी कोटी बनाल समटाइम्स सीन इन न्यूज. आंचल. सर बी आई थिंक. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इन साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. अच्छा सर. हाँ ओके. आशिक. सर नाम में सर दज्जी दिवारी दिवारी कोटी. सर कोटी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन हिमालयन रीजन जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आए भी एक बार. मतलब कैसे बनाते घर. बिल्कुल ए है इसका. ए ए दीवारी इसका. आ गया. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आ गया इसमें. साउथ में कहाँ जा रहे हो. महाभाष्य इज बोथ अ डिफेंस ऑफ ग्रामेरियन पाणिनि अगेंस्ट हिज चीफ क्रिटिक एंड डिट्रैक्टर कात्यायन एंड ए रिफ्यूटेशन ऑफ सम ऑफ द पाणिनिज अफोरिज्म वॉज रिटर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. प्रवेश. भरतरी. भरतरी. अपना नाम लिख देना तो भरतरी के साथ. भरतरी ने महाभाष्य कहां से लिख दिया. मानसी. महाभाष्य शायद. सो ए होना चाहिए. कालिदास. गजब हो तुम लोग. ओके सर आशिक. पतंजलि पतंजलि महाभाष्य महाभाष्य 8th-9th century में मतलब लिखे हुए ना सर. 8-9 ज्यादा हो गया भाई. पहले है तो बहुत भाष्य ज्यादा. महाभाष्य उसके ऊपर लिखे हैं कमेंट्री है तो सर वो फिर एट नहीं पाणिनि फोर्थ अष्टाध्यायी. सेंचुरी 4th century BC पानी है सर. उसके बाद पतंजलि सेंचुरी सेकंड. प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्ता द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ सरेंडर्ड आफ्टर बीइंग डिफीटेड बट देवर अलाउड टू रूल अगेन. प्रवेश. फॉल्स सर. क्यों. पर सर है अभी मैं ये बोलूंगा. बड़ा बेवकूफ वाली बात कर रहा है. क्या सोच के बोला ये तो बताएगा. नहीं सर ट्रू है. ये ट्रू है. अब ट्रू हो गया. एक बार गोला लगा दिया हो गया भैया. अब शीट थोड़ी ना फाड़ेगा. गया वो तो खत्म हो गया मामला. इट एक्सप्लेन्स द पीस एंड वेलफेयरिस्ट मेजर्स टेकन बाय समुद्रगुप्ता फॉर इट सब्जेक्ट. मानसी. ट्रू ट्रू. लखनऊ पैक्ट फॉर द सर. फर्स्ट सेकेंड टाइम. वन इज फॉल्स. सेकेंड वन फॉल्स है. नो मेंशन अबाउट द पीस एंड वेलफेयरिस्ट मेजर्स टेकन बाय समुद्रगुप्त फॉर हिज सब्जेक्ट. कोई मेंशन नहीं है इसका. अरे भाई लंबे उसमें आप ले सकते हो लेकिन ये ऐसा सब लड़ाई वेलफेयर के लिए की जाती है. मेंशन तो नहीं है. मेंशन मतलब विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो गलत हो जाएगा. इट एक्सप्लेन्स द पीस एंड सर इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द कैंपेन्स ऑफ समुद्रगुप्त. प्रशस्ति एक्सप्लेन्स द कैंपेन्स ऑफ समुद्रगुप्त. हाँ कौशिक. सर ये जो स्टेटमेंट जो है ना ये इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं प्रशस्ति हाँ में कर भी. सकते अगर फॉर एग्जाम्पल कर सकते. फ्यूडेटरिया है तो पीस के लिए किया हुआ हाँ तभी तो हरा था वापस से बोला करने पीस और लेकिन वो कह वेलफेयर. रहा है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. तो उस एंगल से अगर आप बोलो थोड़ा नेगेटिव बोल सकते हो. लेकिन सर इसमें ऐसा लखनऊ नहीं कि पैक्ट सर है क्या उसकी आम पावर दिखाई गई है मतलब प्रशस्ति के अंदर, राधर की चीज उसने जो फुल एफर्ट्स लिए हैं. क्या. जो समुद्रगुप्त की सर ये प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें वैलर और जो उसका आर्म पावर है उसको दर्शाया गया है ना, रादर की पीस एफर्ट जो उसने लिए हैं.
नहीं, पीस एफर्ट ही है भाई, सबको दबाना जहां जैसी जैसी जरूरत थी वो पीस ही है अपने आप। इसराइल भी आज पीस के लिए ही कर रहा है, यूएस भी पूरे वर्ल्ड में जो कुछ कर रहा है वो पीस के लिए ही हो रहा है। तो वैलर वह तो है, वैलर तो हर जगह ही है, लेकिन वो पीस कहा जा सकता है। ठीक है इट इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, यू मस्ट बेटर अवेयर। फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस ओपनली कंसीडेड द टू डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। प्रवेश सर, रॉन्ग है, फर्स्ट क्यों रॉन्ग है? टाइम नहीं है सर, लखनऊ पैक्ट से पहले ही बात हुई है। लखनऊ पैक्ट से पहले जब कांग्रेस बनी थी तब भी, जब कांग्रेस बनी थी तब भी उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मान लिए होंगे। नहीं सर, बहुत डिफरेंस है, ये तो आपने बहुत जनरलाइज बात कर दी कि जब कांग्रेस बनी तो उसके बाद भी काफी टाइम। मैंने तो करी थी, आपने बताओ ना उससे पहले कब मान लिया हो? सर लखनऊ पैक्ट 1916 से पहले भी सर बात हुई है ना, बात वही तो मुझे बताइए ना, मुझे तो नहीं पता, आप बता दो। 1909 के आसपास हुई है। 1909 के आसपास, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले है? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के आसपास हुई है ना सर, बात की सेपरेट हाँ वही इलेक्टोरेट कह रहा की। हूँ, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के पहले कि उसके बाद? मोरले सर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद मिंटो रिफॉर्म्स के बाद कब? लंच पे हुई कि डिनर पे हुई, कहाँ हुई?